बाल सुरक्षा के लिए घर घर दस्तक देगा स्वास्थ्य विभाग। आपको बता दें कि दस्तक अभियान के प्रथम चरण का आयोजन 18 जुलाई से 31 अगस्त तक ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देशन में किया जाएगा। अभियान के तहत स्वास्थ्य एवं एकीकृत बाल विकास सेवाएं भी संयुक्त दल ANM आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 5 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों वाले परिवारों के घर पर स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं की दस्तक दी जाएगी। इस उम्र के बच्चों में प्राय पाई जाने वाली बीमारियों की सक्रिय पहचान एवं प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकेगा। ये जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीष शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि दस्तक अभियान का मुख्य उद्देश्य ये है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में प्रमुख बाल्यकालीन बीमारियों की सामुदायिक स्तर पर सक्रिय पहचान कर त्वरित प्रबंधन किया जाए, जिससे बाल मृत्यु दर में वांछित कमी लाई जा सके। जो कभी 65 हुआ करती थी वो काफ़ी कम है, 49 करने आ रही है। एंड IMR भी 51 पर हमारे यहाँ पर आ चुकी है। सो अगर जैसे फिर भी अभी हमें बहुत सारा काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो दस्तक दल रहता है, दस्तक दल 3 A से बना है, आशा, आंगनबाड़ी और ANM। महिला बाल विकास विभाग का पूरा सहयोग रहता है और उनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हमारी आशा जी और ANM कार्यकर्ता, ये तीनों का दल रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में CHO भी इसमें रहेंगे और इस टाइप से दल जाएगा। और 10 जो चिन्हित बीमारियाँ रहती हैं, एक तो कोई भी किसी प्रकार का कोई बच्चा का बीमारी है उसको मैनेजमेंट करेंगे, उसको दवाई देंगे, उसको चिन्हित करेंगे। फिर गंभीर एनीमिया एक बहुत बड़ा कारण होता है मृत्यु का, एक डायरिया बहुत बड़ा कारण होता है मृत्यु का, एक कंजनेटल बर्थ डिफेक्ट जन्मजात विकृति अगर किसी बच्चे में है वो एक कारण हो सकता है, गंभीर कुपोषण एक बहुत बच्चा बहुत बड़ा कारण होता है। गंभीर कुपोषित कोई बच्चा यदि मेडिकली कॉम्प्लिकेटेड है तो ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उनको NRC जो बनी हुई है, जिले में 5 NRC हैं जहाँ पोषण पुनर्वास केंद्र है, वहाँ भर्ती कराएंगे। इसके अलावा कोई निमोनिया का बच्चा है क्या, कोई ORS के बारे में, चूँकि डायरिया एक बहुत कॉमन होता है इस बीमारी इस मौसम में, तो ORS के बारे में उनको वितरित भी करेंगे। ORS घर घर जहाँ बच्चे हैं वह ORS के बारे में कैसे बनाना है उसके बारे में जानकारी देंगे। हाँ, ये अपना दस्तक अभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं 18 तारीख से, और इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि जो अपने IMR है, शिशु मृत्यु दर है, उसको हम लोग को कम करना है। इसके अंतर्गत हम लोग घर घर जाके दस्तक देंगे जो प्रमुख बीमारियां हैं जिससे बच्चों की मृत्यु होती है, जैसे कि उल्टी दस्त होना, निमोनिया होना, कुपोषण होना, ये हम लोग घर घर जाके दस्तक देंगे। और इसमें हम लोग बच्चे को वहाँ पर उसका जाँच करने के साथ साथ उसका इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ेगी तो रेफरल भी करेंगे और वहाँ पर उपचार भी करेंगे। इसके लिए पूरी टीम हमारी बन चुकी है और हमारा जो लक्ष्य हम लोग को प्राप्त हुआ है उसका 90% हम लोग 92% अचीव कर चुके हैं। मतलब 235,000 बच्चों को हम लोग ने चिन्हित कर दिया गया है और इनको हम लोग डाटा एम्पायर आ चुका है। इनको हम लोग 18 तारीख से घर घर जाके, पूरी हमारी टीम है आशा, ANM और आंगनबाड़ी की, ये उनके घर जाएगी और वहाँ पर इन बच्चों का उपचार के लिए चिन्हित करेगी और उसके बाद में फिर इनका उपचार करेगी, जरूरत पड़ेगी तो अस्पताल में भर्ती करेगी। इस बार हम लोगों ने 2 नए प्रोग्राम रखे हैं इसमें, एक तो क्या एनीमिया का, एनीमिया हम लोग इसमें छाँटेंगे क्योंकि एनीमिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है बच्चों में मृत्यु का। तो इसमें डिजिटल हेमोग्लोबिन हम लोग को प्राप्त हो चुके हैं, 300 से ज़्यादा ग्वालियर जिले को प्राप्त हुए हैं। इसमें बिल्कुल ब्लड शुगर जैसे अपन चेक करते हैं वैसा एक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें ANM लोग को हमने प्रशिक्षित किया जा चुका है तो वो घर जाके बच्चे का HB चेक करेगी, उसके हिसाब से अगर सीवियर है, मॉडरेट है या नॉर्मल है उसके हिसाब से उसका उपचारित करेगी। साथ में एक अच्छी चीज़ और भी करेंगे हम लोग इसमें कि जो बच्चे जितने भी हमारे NRC के लिए भर्ती होने वाले थे तो उसका नया जो हमारा प्रावधान है, नई उसमें आ गया हम लोग को गाइडलाइन जिसमें बच्चों को NRC में भर्ती करना है, तो वो बच्चों को भी हम लोग चिन्हित करके वहाँ पर NRC में उसको भर्ती करेंगे। लक्ष्य हमारा 253,000 है और उसको अभी हम लोग ने उसके अंतर्गत 235,000 हम लोगों ने बच्चों का पंजीयन कर चुका है, उनकी लाइन लिस्ट तैयार है हमारे पास। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today Network को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।